सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते, इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे
सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं। इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, यह आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रमाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, यह हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी
पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर सुख, किसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट और धर्म का त्याग ही दुख। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वही भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार किया